23 जून को पटना में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे। बंगाल से ममता बनर्जी भी आई थी तो दिल्ली से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक पहुंचे थे। सबने यही कहा कि इस बार बीजेपी को रोकने के लिए अपने राज्यों के अंदर जो अपने सहयोगी दल जो इस बैठक में पहुंचे हैं उनसे जो मतभेद है उसे भुला देंगे। लेकिन दो दिन बीतते ही बीजेपी के लोग सवाल ही उठा रहे थे कि सहयोगी जो साथ नरेंद्र मोदी से लड़ने के कसमें खा रहे थे वो अपने अपने घर पहुंचते ही अपने दोस्त को कोसने लगे। जिसे पटना में दोस्त बता रहे थे उसे अपने घर में दुश्मन बताने से एक बार भी नहीं हिचके। ममता बनर्जी बंगाल से जब पटना आई थी तो तमाम लोगों को कहा था कि गिले शिकवे मिटा दे, कांग्रेस और वामदल के जो लोग हैं वो अब साथ चलेंगे बीजेपी के खिलाफ। ममता जब बंगाल लौटी तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है, वामदल के लोगों को वोट मत कीजिए, इन लोगों को वोट करने का मतलब होता है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। दरअसल बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर सीधे तौर पर पंचायत चुनाव के बीच ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया जिसमें ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए हमें महागठबंधन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली में हम महागठबंधन बनाएंगे, देश भर में घूमेंगे, लेकिन घर में बंगाल के अंदर जो गठबंधन की ज़रूरत है वो एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे। ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और वामदल को लेकर सवाल उठाया उसके बाद यही कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता की जो मुहिम थी उसकी तो ममता ने हवा निकाल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस, CPM और BJP महाघोट हैं, यानी सब एक में मिले हुए हैं। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी के बातों में नहीं आ, बीजेपी को वोट नहीं करें, बीजेपी झूठों की पार्टी है, साथ ही कांग्रेस और CPM को भी टाटा करें। ममता बनर्जी बंगाल के कुछ बिहार में पंचायत चुनाव प्रचार में यह बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तीन दलों के साथ हाथ मिलाया है, हम लोग दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने मेरे बारे में अपशब्द कहा है, ये बड़ी जटिलताएं पैदा कर रही हैं, मैं उस महाघोट को तोड़ दूंगी और दिल्ली बंगाल में केवल महाजोट यानी महागठबंधन की बात होगी। ममता बनर्जी एक तरफ बंगाल में अपने विरोधियों को चेतावनी दे रही हैं चाहे उनके सहयोगी ही क्यों ना हो। कांग्रेस के नेताओं ने हाल के दिनों में ममता बनर्जी के खिलाफ कई सारी बातें कही थी और ममता अब उनको सीधे जवाब देते हुए दिख रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि जो ममता बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों को एकजुट चलने की बात कर रही थी, वही ममता बंगाल लौटकर पटना में जिनसे दोस्ती की बंगाल में उनको दुश्मन बता रही हैं।